लक्ष्मी शुक्ला को हटाया गया, आपकी मांग भी थी, क्या कहोगे उस पर? देखो चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी, अपोजिशन वालों के फोन टैपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था, राज्य सरकार ने उसको अपने चुनाव के फायदे के लिए उनको इस पोस्ट पे बिठाया था। हमने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की, एक बार नहीं तो तीन बार की, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से झारखंड के डीजी बदला, उस तरह से वेस्ट बंगाल का डीजी बदला, लेकिन महाराष्ट्र के डीजी को बदलने को इतना समय क्यों लगा, ये प्रश्न हमारे आज भी अनुत्तरत है। मैं इतना ही कहूँगा कि रश्मि शुक्ला को चुनाव से कोई भी संबंधित पोस्ट पे ना बिठाया जाए, यही मांग हमारी रहेगी। रश्मि शुक्ला ह्या भाजपसाठीच काम करत होत्या, त्यांनी आमचे विरोधकांचे फोन सातत्याने टेप केले होते, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले होते। आम्ही राज्य सरकारला वारंवार सांगितलं की अशा अधिकाऱ्याला महत्त्वाच्या पदावर बसवू नका, पण दोन वर्षाचं अवैध एक्सटेन्शन देऊन एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांनी आपल्या निवडणुकीच्या फायद्यासाठी या रश्मी शुक्लाला या पदावर बसवलेलं होतं। त्या तक्रारी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केल्यात, निवडणूक आयोगाने त्या तक्रारीची दखल घेतली, पण इतका वेळ का लागला हा एक प्रश्न आमच्याजवळ अनुत्तरित आहे। भाजपसाठी सरळ काम करणारी ह्या अधिकारी होत्यात, हे याच्यातून स्पष्ट होते, यांना कुठल्याही निवडणुकीशी संबंधित पदावर बसवू नका, एवढी आमची निवडणूक आयोगाला विनंती राहणार आहे।